हेलो दोस्तों, अगर आपने भी हिंदुजा लीलैंड कंपनी से कोई भी चीज़ पे फाइनेंस कराए हुए है, प्रोडक्ट लिए हुए है, गाड़ी हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप लिए हुए है हिंदुजा लीलैंड कंपनी से, और आप उसको ऑनलाइन पे करना चाहते हैं बिना ऑफिस गए हुए ही आप पे करना चाहते हैं अपने फ़ोन पे के माध्यम से, और आपको पता नहीं है दोस्तों जो हिंदुजा लीलैंड कंपनी का जो इंस्टॉलमेंट है EMI है वो कैसे हम पे करें अपने फ़ोन पे से ही घर बैठे बैठे बिना ऑफिस गए हुए ही आप पे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम फुल कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे दोस्तों जो आप कैसे हिंदुजा लीलैंड कंपनी का इंस्टॉलमेंट आप पे कर सकते हैं अपने फ़ोन पे से ही दोस्तों। तो दोस्तों आप इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि वीडियो जब भी डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लोन रीपेमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदुजा लीलैंड कंपनी, आपको यहाँ लिख के सर्च करना है। देखिए दोस्तों हिंदुजा लिखते ही यहाँ देखिए आ गया है हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लोन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों आपका जो भी डीलर है जिसके माध्यम से आप गाड़ी फाइनेंस करवाए हैं, या फिर फोर व्हीलर गाड़ी हो या कोई प्रोडक्ट बाई की है, जिस डीलर से भी आप लिए हैं उससे आपको लोन आईडी मांग ले हैं, लोन अकाउंट नंबर आपसे मांग लेना है उनसे, लोन अकाउंट नंबर आपको ले लेना है, फ़ोन करके हो या फिर जाके हो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप यहां से हमेशा पे कर सकते हैं, फिर आपको ऑफिस में जाने का ज़रूरत झंझट ख़त्म हो जाएगा, फिर कहीं जाने का भी आपको ज़रूरत नहीं लेगा। तो आपको लोन आईडी ले लेना है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम उनसे लोन अकाउंट नंबर लिए हुए देखिए लोन आईडी यहाँ पर हम फिल करेंगे। लोन आईडी फिल करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे शो कर जाएगा, आपका जो EMI रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा EMI शो कर गया है। तो दोस्तों हम EMI पे कर चुके हैं, नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे शो कर रहा है, तो हमको करना है फ़ाइन का पैसा यहाँ पे, तो हम इसको कस्टमाइज करके और यहाँ पर हम फ़ाइन का जो अमाउंट है वो डाल देंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपना अमाउंट डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम हमारा जो फ़ाइन का अमाउंट था वो यहाँ पे हम फिलअप कर दिया, क्योंकि दोस्तों हमारा ऑटो डेबिट था और ऑटो डेबिट क्लियर नहीं हुआ है, इसके वजह से मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था, इसके वजह से ऑटो डेबिट बाउंस हुआ है। तो वहाँ पे बाउंसिंग चार्ज भी लगा है और यहाँ पर उसका फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से इसको पे कर देते हैं। प्रोसीड टू पे का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ यहीं से भी आप EMI पे कर सकते हैं, आपको EMI यहीं पर शो करेगा। तो प्रोसीड टू पे करने के बाद यहाँ पे देखिए पे का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम UPI पिन डालेंगे, ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं। उसके बाद इस वाला आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सेम प्रोसेस दोस्तों आपको अपने मोबाइल में भी करना है, और इसी तरह से आप भी EMI पे कर सकते हैं बिना ऑफिस गए हुए हैं, बिना कोई बैंक गए हुए हैं, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं हिंदुजा लीलैंड कंपनी का फाइनेंस EMI इंस्टॉलमेंट आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अगले वीडियो के साथ।